अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारों चांद सितारों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो बारात की कुछ वीडियो क्लिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ आपके पास, तो जी चले चल के देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ भाई की सहरा बंदी जी। तो अब्बा जी और मेरी चाची ने भाई को जो है ये खुला पहनाया था, और फिर इसके बाद भाभी ने भाई की आंखों में सुरमा डाला, जो एक्चुअली डाला नहीं था, बस सुरमेदानी को जो है वो हल्का सा आंखों के सामने से रख के इशारा कर दिया था, क्योंकि ये होता है कि भाभियां जो है वो सुरमा लगाती हैं दूल्हा को, तो ये हमारा रिवाज है जी। अम्मा आ गई थी सहरा पहनाने, लेकिन अम्मा से सहरा जो है वो पहनाया नहीं गया। मेरी अम्मी को थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी सहरा पहनाने में, और फिर बाजी ने कहा चले जी मैं ट्राई करती हूँ। फिर अब्बा और बाजी ने मिलकर सहरा पहनाया, लेकिन सहरा था कि इनके हाथों से टिक ही नहीं रहा था। तो जी सहरा बंदी का ये शर्व भी मुझे हासिल हुआ, और जी मैंने बड़ी नज़ाकत के साथ अपने प्यारे से भाई को सहरा पहनाया, और जी मैं इसमें कामयाब हो गई। फिर जी खाला ने फूलों का हार पहनाया था, इसी तरह से मेरी फूफियाओं ने भी आकर जो है वो दूल्हे को हार पहनाए थे जी। तो खाला तो बहुत खुश थी, खाला ने जो है ढोल की थाप पे थोड़ा सा भंगड़ा डाला, और जी ये फूफी आप मेरी देख सकते हैं, फूफी ने भी हार पहनाया था। तो जी तो हमारा प्यारा सा दूल्हा तैयार है, अब हम रेडी हैं जाने के लिए, और अब्बा जी जो है वो भाई का सदका उतार रहे थे, और जी फिर हम निकल पड़े थे बारात लेके बड़े धूमधाम से। जी एक लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे वेन्यू पर, जो था कबाब जीज हाईवे का हॉल, वेडिंग हॉल था ये। और जी हम यहाँ पर आ चुके हैं, दूल्हा साहब जो हैं वो तैयार है अपनी दुल्हन को मिलने के लिए। तो जी यहाँ पर फोटोग्राफर्स ने हमें घेरा हुआ था, और जी यहाँ पे भाई की और हम सब की फ़ोटोग्राफी वगैरह हो रही थी। शादी में सबसे मुश्किल काम होता है सबको इकट्ठा करना और उनको उनकी ड्यूटीज़ बताना। तो जी मैं बिज़ी थी लोगों को इकट्ठा करने में, किसी को बैनर्स पकड़ाए, किसी को जो है ये एंट्री की चादर पकड़ाई जो कि मैंने खुद बनाई थी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है जी। तो हमारी बारात रवा दवा है हमारी दुल्हन भाभी को लेने के लिए। तो अब हम आपको आगे चल के दिखाएँगे हॉल के अंदर के मनाजिर। भाइयों की शादी की तो बहनों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी होती है, पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी, इसलिए जो है मैं सारे इंतज़ाम भी संभाल रही थी और हर चीज़ को जो है वो लुक आफ्टर कर रही थी। इस वक्त मुझे एक बैनर उठाने के लिए किसी की ज़रूरत थी, और इत्तेफाक से उसी वक्त मेरा एक कज़न जो है वो हॉल में एंटर हो गया, और उसको जो है मैंने बैनर पकड़ाया, और जी बस अब हम जा रहे हैं हॉल की तरफ। देख सकते हैं कि लोग कितना खुश हैं, एक्साइटेड हैं, और हमारे एक आमी भाई हैं जो अपनी खुशी का इजहार इस भंगड़े से और डांस से कर रहे हैं। तो ये तमाम तर मेरे पड़ोसी हैं जो भी आपको इस वक्त फ्रंट पर नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी खुश थे, और जी इनकी खुशी जो है वो इनके एक एक एक्ट से नज़र आ रही है जी। तो ग्रूम की जो एंट्री चादर है वो पकड़ी हुई थी मेरे कज़न्स ने और मेरे रिलेटिव्स ने। तो जी चले अंदर चलकर देखते हैं क्या हुआ जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हॉल बहुत ही खूबसूरत और बड़ा है, और काफ़ी अच्छे से इसको उन्होंने जो है डेकोरेट किया हुआ है जी। दुल्हन वालों की तरफ से काफ़ी अच्छा हमारा इस्तकबाल किया गया, और अभी सबसे मिलना मिलाना ही चल रहा था। और जी अब थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे ब्राइडल एंट्री जी। तो हमारी प्यारी सी भाभी अपनी प्यारी प्यारी सी कज़न्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ एंटर हो रही हैं, आप देखें बहुत प्यारी लग रही है। काश कि मैं आपको इनका फुल फेस दिखा सकती जी। तो दुल्हन वालों ने दुल्हन तो हमारे भाई के हवाले कर दी है, आप देख सकते हैं कि अब भाई जो है वो दुल्हन को रिसीव कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कपल लग रहा था इनका, अल्लाह इन दोनों के नसीब अच्छे करे। स्टेज पर आने के बाद ब्राइड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ी सी शिकार होती है, तो भाभी को हमने थोड़ा काम डाउन किया, उनसे कहा कि ज़रा जी रिलैक्स हो जाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब की शादियाँ होती हैं, सब स्टेज पर आते हैं, तो नो वरीज़। अब जी बारी थी फ़ोटोग्राफ़र्स की, फ़ोटोग्राफ़र्स ने इन्हें घेरा हुआ था, और जी अब उनकी मर्ज़ी चल रही थी, और ये बेचारे घूम रहे थे बस, और कुछ नहीं हो रहा था। दुल्हा दुल्हन का तो शूट चल रहा था, और हम लोगों के लिए खाना लग चुका था, हम खा रहे हैं। खाना खाने में है बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू, बिरयानी और कुछ टर्किश कबाब टाइप था, और टिक्का था, चिकन कढ़ाई थी, और मीठे में गाजर का हलवा था, बड़ा अच्छा टाइट मेन्यू था। अब रह गई थी दूध पिलाई की रस्म। तो जी हम तो दूल्हे वाले थे, हमने जो है वो इन लोगों को काफ़ी हार्ड टाइम दिया, और फिर भी चले बहनें होती हैं सालियाँ भी, तो भाई ने इनकी जो है डिमांड तो पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें खुश कर दिया।
साथ साथ हम लोग इंजॉय कर रहे थे कवालियाँ और म्यूज़िक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रौनक लगी हुई थी। जी अब तैयारी हो रही थी रुखसती की। तो रुखसती से पहले हमारा रिवाज है कि हम दुआए खैर करते हैं, तो दुआए खैर हो रही है आपके सामने, आप देख सकते हैं जी। तो ढेरों दुआओं के साथ कुरान की रहमत के साए तले भाभी को रुखसत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी इमोशनल सीन है, रोना आ रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा उस वक्त भी। वैन अभी रिकॉर्ड करते हुए भी मेरी आंखें नम हो गई। तो अल्लाह बस सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। और हम अपनी प्यारी सी भाभी को लेकर जा रहे हैं, और ये सीन्स जो आप देख रहे हैं ये हर किसी लड़की की ज़िंदगी में ज़रूर आता है। अपने घर वालों को छोड़ के जाना, बहन भाइयों से अलग होना काफ़ी तकलीफ़ दे मोमेंट होता है, लेकिन अल्लाह सब अच्छा कर देता है आगे चल के जी। तो अब हम अपनी भाभी को लेकर जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत खुश रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये बारात की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।